जनपद कासगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां थाना सहाबर पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त चेकिंग के दौरान 5 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी की एक टाटा सफारी कार, फर्जी नंबर, 20 किलो गांजा तथा 2 तमंचा, 315 बोर, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि वो गांजे का व्यापार करते हैं। अभियुक्तों को कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। कासगंज जनपद पुलिस को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। हमारे जो थाना सहावर पुलिस और मेरे एसओजी टीम दोनों संयुक्त रूप से जब सुबह 8 बजे चंडी तिराहा के यहाँ जब चेकिंग कर रहे थे, एक 5 लोगों की एक सदस्य जो है वो एक गिरोह पकड़ा गया। एक बहुत ही शातिर गिरोह है, इनका नाम है दलवा पुत्र नरदा, ये निवासी बुलंदशहर के हैं। फरमान पुत्र सोनपाल, ये कासगंज के। मुकीम पुत्र वंशी, फिरोजाबाद के हैं। फिरोज पुत्र तोतिया, जो कासगंज के हैं। और रंजीत पुत्र पप्पू, ये भी कासगंज के हैं। इसमें इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं और अन्य जिलों में ये वांछित भी है। जैसे ये जो फिरोज है, ये करीब 2010 से सक्रिय है और कई बार जेल भी गया हुआ है। इनके ऊपर अभी तक हमें जो पता चला 18 मुकदमा है और बाकी हमारे जो अन्य जिले हैं उसमें वांछित भी है। एक कलवा है, उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं और अन्य जो लोग हैं, एक और मुखी में, उनके ऊपर भी अभी हमें पता चल रहा है कि करीब 15-16 मुकदमे हैं। जो भी आपराधिक इतिहास है आपको विदित कराया जाएगा। सर, इसमें जो कार्रवाई की है, इन लोगों क्या पुरस्कार की घोषणा की गई है? मेरे तरफ से जो भी टीम ये बहुत ही अच्छी सफलता जो पाई है, उस सभी टीम को 25,000 की मैं इनाम घोषित कर रहा हूँ। और मौके पे हमें एक टाटा सफारी जो बिना नंबर प्लेट की है वो हमें बरामद कर लिया है। उसके अलावा 2 तमंचा जो 315 बोर के हैं, 7 जिंदा कारतूस, और उसके अलावा जो ये अभी हम जो ये जो पदार्थ, ये जो मादक पदार्थ के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं, उसमें उसके इसमें भी इनके पास से हमें करीब 20 किलो गांजा हमने बरामद कर लिए है। और ये बहुत अच्छी सफलता है, इसलिए हमारे जो टीम काम किया है, इन सभी को 25,000 के इनाम घोषित कर रहा हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।